हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपके अपने चैनल रियल जायका में। रियल जायका लेकर आया है केक सीरीज, जिसकी सबसे पहली रेसिपी है स्पॉन्ज केक, जिसे बनाना बहुत आसान है। और मैंने इसमें जो चीजें यूज की है वो सारी चीजें आपके घर में अवेलेबल होगी। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट और कितना सॉफ्ट बना है। अगर आप कितना भी अच्छा केक बना ले, कितनी भी अच्छी आइसिंग कर ले, अगर आपका स्पॉन्ज केक परफेक्ट नहीं बनता तो केक अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है परफेक्ट स्पॉन्ज केक बनाना। मैंने जो भी चीजें यूज की है, आप नाप टू नाप वो चीजें यूज करेंगे तो आपका केक बहुत ही मजे का बनेगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल में नए हैं तो रियल जायका को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो इस आसान से स्पॉन्ज केक की रेसिपी कुछ टिप और ट्रिक के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कर लेंगे टीन में ग्रीसिंग। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 6 इंच का टीन। जिस साइज का हम केक बना रहे हैं उसमें हमें 6 इंच का टीन लगेगा। अगर आप इससे छोटा टीन लेते हैं तो केक बाहर आ जाएगा, और इससे अगर बड़ा टीन लेते हैं तो केक बहुत ही छोटा और पतला बनेगा। इसलिए परफेक्ट 6 इंच का टीन ले आपके। आप देख सकते हैं मैं परफेक्ट नाप लेके बटर पेपर को काट कर इस तरीके से इसमें लगा दे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसमें मैदा डाल के डस्टिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद उसमें इस तरीके से बटर लगा दे। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे एक पैन, इसमें डालेंगे हम 1/4 कप जितना बटर। ये परफेक्ट नाप है, ये हमें रूम टेम्परेचर पे चाहिए। सारी चीजें रूम टेम्परेचर में चाहिए। बटर ठंडा भी नहीं चलेगा और गर्म भी नहीं चलेगा, इसलिए आप जब भी केक बनाने वाले हैं तो आधे घंटे पहले सारी चीज़ें निकाल लें। अगर यहाँ पे आप बटर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे तेल भी डाल सकते हैं। तेल में साथ में आप पिंच नमक डाल दें, क्योंकि बटर में नमक होता है और तेल में नहीं होता है। केक बहुत मज़े का लगता है इसीलिए। अब उसके बाद डालेंगे हम 1/2 कप जैसा कंडेंस मिल्क। और इसे बीट करेंगे। 3 मिनट तक हमें इसे बीट करना है ताकि कलर चेंज हो जाए और साथ में जरा हल्का भी हो जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 जैसी PCV शुगर। हमें कम शुगर लेनी है। अगर ज्यादा शुगर हो जाती है तो केक बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और टूट जाएगा। और ऑलरेडी केक में हम कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं तो वो भी थोड़ा शुगरी होता है, इसलिए इसी क्वांटिटी में शुगर ऐड करें। 1/4 कप जितना हमने बटर लिया उतनी शुगर लें। अब इसे साथ में बीट करें। आप देख सकते हैं परफेक्टली बीट हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। उसके लिए मैंने यहाँ पे ली है जाली। उसमें मैंने लिया है 1 कप जैसा मैदा और 1 टीस्पून जैसा बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून जैसा बेकिंग सोडा। ये एक परफेक्ट नाप है। अगर आप 1 कप मैदे से केक बना रहे हैं तो आपको 1 टीस्पून ही बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून सोडा चाहिए। अगर आप 2 कप बना रहे हैं तो इसके नाप डबल कर दें। अब इसे अच्छे से छान लें ताकि सारे लम्स निकल जाएं, जो भी लम्स आटे में रह जाते हैं। हम देख सकते हैं परफेक्टली छन गया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम यहाँ पे लेंगे 1/2 कप जैसा मिल्क। इसे धीरे धीरे करके डालें और अच्छे से इसे घुमाएं। इसे एकदम हल्के हल्के हाथ से हमें घुमाना है, बहुत स्पीड से नहीं लें और एक ही डायरेक्शन में घुमाएं ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और कहीं पे भी कुछ लम्स ना रहे। अब मैंने यहाँ पे लिया है वेनिला एसेंस। आप कोई भी फ्लेवर का एसेंस डाल सकते हैं। 2 टीस्पून जैसा एसेंस लिया है। एसेंस की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो कम डालें, अगर वो कम स्ट्रांग लगता है तो आप ज्यादा डालें। अब इसमें एसेंस डालने के बाद हम इसमें डालेंगे हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट, जिसका नाम है विनेगर, व्हाइट विनेगर, जो नॉर्मली हम चाइनीज वगैरह में यूज करते हैं, वो हमें ऐड करना है 1 टीस्पून जैसा। विनेगर का फायदा ये होता है कि ये सोडा के साथ रिएक्ट करके हमारा केक बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत सॉफ्ट बनाता है, क्योंकि हमें बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर के साथ रिएक्ट करने वाली कोई चीज इसमें ऐड करनी होती तो हम विनेगर ऐड करते। विनेगर सिर्फ 1 चम्मच ही डालना है, 1 टीस्पून, इससे ज्यादा ना डाले तो फ्लेवर चेंज हो सकता है। इसलिए जो परफेक्ट नाप है वही यूज करें और इसे धीरे धीरे मिक्स करें।
आप देख सकते हैं बैटर हल्का होने लगा है। अब इसे ज्यादा वेट ना कराएं, अगर आपने मिक्स कर लिया आप तुरंत ही से हमारे टिन में डाल लें। अब मैंने यहाँ पे एक पैन ऑलरेडी गरम करके रखा है, प्री हीट करके रखा है, इसमें एक स्टैंड भी रखा है। अगर आप इसे ओवन में बेक कर रहे हैं तो इसे पहले प्री हीट कर लें और 180 डिग्री पे डालकर 30 मिनट्स बेक करें। अगर आप पैन में बेक कर रहे हैं तो केक डालने से पहले से 10 मिनट पहले से इसे गरम कर लें और फिर इसमें टिन डालें आधा घंटा जैसा और ऊपर से ढक दें। आप देख सकते हैं ये हल्का हल्का फूलने भी लगा है। करीब 35 मिनट्स तक हमें स्लो पे रखना है इसे ताकि ये परफेक्टली पक जाए। आप देख सकते हैं 35 मिनट्स हो गई है, टूथपिक से इसे डाल के चेक करें। टूथपिक क्लीन होती है इसका मतलब आपका केक रेडी है। अगर आपको सॉफ्ट से स्पॉन्ज केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपके एक्सपीरियंस को। और केक सीरीज को फॉलो करने के लिए रियल जायका के साथ बने रहिए। थैंक यू।